मुझे मेरे दामाद पे ही शक है। लेकिन सर, इस शक की कोई खास वजह? एक नहीं, कई है। आप ढूंढेगी तो आपको भी मिल जाएगी। शुरू से ही वो पसंद नहीं था मुझे। फिर शादी क्यों करवाई आपने? मेरी बेटी रितु के जिद के आगे हार गया था मैं। बाबा खुराना नाम है उसका। कल रात किसी रितु खुराना की आत्मा से मेरी बात हुई। I'm sorry, क्या आपने कहा रितु? उसने मुझे बताया कि एक महीने पहले उसके पति ने उसकी लाश को गुड़गांव के फार्म हाउस में दफनाया। What rubbish? आपके कहने का मतलब यह है कि उसके पति ने उसको एक महीने पहले मारा, उसे दफना दिया और एक महीने के बाद उसकी आत्मा आपको ये सब बता रही है? नहीं, उसने मुझे ये बताया कि उसके पति ने उसकी लाश को दफनाया। उसका कत्ल किसने किया ये वो देख नहीं पाई। वो बात ऐसी है कि जितनी जल्दी आप जितनी बातें सच बताएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ओके, बताता। उस दिन जब मुझे पता चला कि रितु अपने पापा से मिलने हरियाणा जा रही है तो मैं गुड़गांव वाले फार्म हाउस पे पूजा को लेकर गया था। ये पूजा कौन है? कुछ टाइम पहले मैं अपने डेंटिस्ट के पास गया था तो पूजा भी वहां रूट कैनाल करवाने आई थी और वहीं पर हमारी दोस्ती हुई। फिर डार्लिंग, अब हम तब मिलेंगे जब आज की तरह मेरी वाइफ आउट ऑफ टाउन हो। लास्ट टाइम तो मैंने कैसे मैनेज कर लिया था, लेकिन अब अगर उसने हमें देख लिया ना तो विल बी गॉन। आफ्टर ऑल कमिश्नर की बेटी जो है, अगर उसके बाप को पता चल गई ना ये बात तो वो हम दोनों को जेल में सड़ा दे। बट यू डोंट वरी, मैं हूं ना। जितना झूठ बोलेगा उतना घसीटा जाएगा इस मामले में। तेरी बेहतरी इसी में है कि सच सच बता दे। मैं अपनी एजेंसी की तरफ से अभय सर के लिए रितु मैडम को सीक्रेटली फॉलो करता था। एक्सक्यूज मी, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम लगातार मुझे फॉलो करते जा रहे हो। सच सच बताओ ये क्या हो रहा है, वरना तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कमिश्नर की बेटी हूँ। मैडम देखिए, आप प्लीज इस बात का कोई इशू मत बनाइए। मैं अपनी एजेंसी के कहने पर ही आप पर नजर रख रहा था। किसके कहने पे? सच सच बताओ वरना। मैडम आप फोन क्यों लगा रही है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके पति अभय ने ही। क्या अभय? माया जी, हमें पता चल गया कि आप किसी भूत भूत आत्मा वात्मा से नहीं बात कर सकती हैं। ये तो आप ढोंग करती हैं लोगों को लूटने के लिए। ये आप कैसे कह सकती हैं? ये हम कह भी सकते हैं और साबित भी कर सकते हैं कि सारे मर्डर्स आपने किए। हाँ ये सच है कि मैं आत्माओं से बात नहीं करती, लोगों को ठगती हूँ, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। लेकिन ये भी सच है कि मैंने किसी का खून नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जाता है नंदिता जी। पूजा उर्फ ईशा उर्फ, आप इतने सारे नाम मैनेज कैसे करते हैं? तो शुरू से शुरू करें।